सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। सो गाइस, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है जितने भी हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए। एक जरूरी सूचना है जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यार आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए, देन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड अपडेट्स आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। तो सूचना ये है, एक आर्टिकल के माध्यम से समझाऊंगा कि जितनी भी हमारी स्ट्रे वैकेंसीज है, ठीक है, स्ट्रे वैकेंसीज को नहीं, जिन सीटों पर स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया है और जो सीटें बच गई है उन पर दोबारा से काउंसलिंग होगी, उन्हीं को ही स्ट्रे वैकेंसीज कहा जाता है। तो एमसीसी ने नई दिल्ली की ओर से भविष्य में काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसकी प्रिंटिंग को लेकर अर्जेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी कि अगर आपको स्ट्रे वैकेंसीज में पार्टिसिपेट करना है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप की आवश्यकता होगी। तो ये रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको कहाँ से मिलेगी, इसको लेकर एमसीसी ने एक अर्जेंट नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, एमसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in, उस पर लॉगिन कर अपनी जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका प्रिंट ले ले, आपका जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका प्रिंट ले ले, और यही जो प्रिंट आउट है वो, और यही जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप का काम करेगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट ले लेना है, और वही जो रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट है वो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भाग लेने के लिए इस रजिस्ट्रेशन स्लिप का उपयोग किया जा सकता है। एमसीसी ने मेडिकल डेंटल संस्थाओं को निर्देशित किया है कि तकनीकी खामी के कारण, कुछ भी टेक्निकल इशू के कारण अगर कोई भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट नहीं ले पाता है तो काउंसलिंग के जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसके लिए उपस्थित होता है तो छात्र को थोड़ी राहत प्रदान की जाएगी। यानी कि टेक्निकल इशू की वजह से अगर कोई भी स्टूडेंट इसका प्रिंट आउट नहीं भी ले पाता है तो भी वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और आगे जो भी उसको परेशानी होगी उसमें उसको रियायत जो है वो दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक अर्जेंट नोटिफिकेशन था, एक अर्जेंट इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि मुझे आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। सो गाइड, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।